वहीं लखनऊ में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के संस्थापक पंकज कुमार शर्मा से चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत की गई है, जिसमें किसान कितने संतुष्ट हैं और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस पर चर्चा की गई है। आप हमारी सहयोगी रूबी सिद्दीकी के साथ की गई इस बातचीत को देखिए। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज शर्मा जी। पंकज शर्मा जी से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इनका पहला कदम हुआ है, चुनाव के टाइम नज़दीक हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंकज जी, क्या तैयारी होगी विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं? ये पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है जो उत्तर प्रदेश की जनता खुद चुनाव लड़ रही है, क्योंकि भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण उत्तर प्रदेश की जनता ने ही किया है। भारत की पाँचों दिशा के जनता के समर्थन से निर्माण हुई थी और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पार्टी का निर्माण हुआ, तो जनता इस बार बहुत अच्छा तैयारी कर रही है, क्योंकि जनता ने कहा सबको देखा बार बार, भालो रापा एक बार, इसीलिए हम लोग 403 विधानसभा में जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, किसान के मुद्दे की अगर हम बात करते हैं, इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, किसान का बहुत बुरा हाल है, जो किसान अनाज उपजा रहा है, हमें जीवित रख रहा है, लेकिन इनकी बातों को न केंद्र की सरकार सुन रही है, न प्रदेश की सरकार सुन रही है। दो दिन पहले किसानों के साथ क्या हुआ, ये आप सभी ने देखा है। तो इसे कहते हैं एक इमरजेंसी पहले जो लगी थी वो एक घोषित इमरजेंसी थी, ये इसे कहते हैं अघोषित इमरजेंसी। कुछ भी आपने अगर गलत बातों को उजागर किया सरकार के खिलाफ में, आपके ऊपर केस लगा दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जीवन भर जेल में सरी, ये सारी चीज़ मतलब अंग्रेज से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हम लोग अभी चल रहे हैं। लेकिन भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी किसानों के साथ में खड़ी है और चट्टान की तरह खड़ी है। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाते हैं, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ जाते हैं, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, पेट्रोल डीजल का रेट जो बढ़ा है, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों जिम्मेवार हैं, इसलिए कि आप अगर देखेंगे तो हरियाणा में, पंजाब में इस पर टैक्सेस काफ़ी कम किए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने बार बार सरकार से कहा है कि टैक्सेस को कम करिए, केंद्र सरकार को हमने कहा, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से सारी महंगाई देश से बढ़ चुकी है, लेकिन इन्हें क्या है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बात करना है ताकि लोग मुद्दा से भटक जाएं। रोजगार का मुद्दा इनके पास समाप्त हो चुका है, कोई मुद्दा इनके पास रहा नहीं, बोलने का कुछ रहा नहीं, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगा, लेकिन सारे इनके जो व्यापार हैं सारे एक साथ कर रहे हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सारे आप अगर निकालेंगे सारे व्यापार एक साथ हैं, तो डीजल पेट्रोल की वजह से ही ये महंगाई बढ़ रही है। हमने इनको बार बार कहा है कि आप कम से कम टैक्स जो है 69%, विश्व में किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, क्या 69% डीजल पेट्रोल पर कहीं टैक्सेस हैं? नहीं है, लेकिन भारत में टैक्सेस हैं, यूपी में तो सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं, इसीलिए इसका भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है और यूपी की सरकार से मांग किया है कि आप टैक्स कम करिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं गठबंधन की, तो क्या गठबंधन की स्थिति बनेगी? देखिए, मैं बता दूं कि दो चुनाव में गठबंधन हुआ, 17 में सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ, 19 में सपा और बसपा गठबंधन हुआ। जनता का कहना है कि गठबंधन करके नेता लोग सिर्फ अपने आप को स्थापित करते हैं, लेकिन जनता का भला नहीं होता है, उनके बच्चे बन जाते हैं मंत्री, एमएलए, डिप्टी सीएम, और पहले उनके पास साइकिल पर चलने की औकात नहीं होती है, बाद में वो 2 लाख करोड़ के मालिक हो जाते हैं। तो गठबंधन को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, इसीलिए गठबंधन दूर दूर तक हमारा कोई कहीं किसी से बातचीत नहीं है, फ़ोन सबके आ रहे हैं लेकिन हमने सबको नकार दिया है। चुनाव को लेकर क्या एजेंडा होंगे आपके? चुनाव के लिए हमारा है कि पहले जैसे हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा है कि हर विधानसभा में 5-10 फैक्ट्री हम पहले लगाएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का आईटी सेक्टर में, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तीन चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि कैसे हम चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा को कैसे हम मजबूत करें, क्योंकि आपने देखा है पिछले जो चुनाव हुए उसके बाद इन लंबे लंबे वादा किए, लेकिन कोरोना काल में सबका चेहरा सामने आ गया, कोरोना में कैसे रेत में ढक दिया गया, कैसे गंगा बहा दिया गया। आप हिंदू की बात करते हो, हिंदू के नाम पे वोट लेते हो, लेकिन हिंदू का जब कोई इंसान मरता है तो उसे मोक्ष कैसे मिलता, अंतिम संस्कार थे। आप जितना पैसा चुनाव लड़ने में, चुनाव के प्लानिंग में आप खर्च करते हो, उसका अगर 5% पैसे भी अंतिम संस्कार के लिए लगा दिए होते, कुछ पैसे ऑक्सीजन के लगा दिए होते,
तो ये घटनाएं नहीं घटती। लेकिन बहुत शर्मनाक घटना है कि अंतिम संस्कार भी लोगों का नहीं हुआ, उन्हें गंगा में दहाया गया, उन्हें रेती में ढका गया। अपनी नाकामयामी को इन्होंने ढकने का पूरा जो इस्तेमाल किया है कोरोना को किया है। यानी आप मान रही है बात, अगर आपकी पार्टी आती है जीतती है तो आप तोहफे में यहाँ की जो जनता को आप रोजगार देंगे? हमारा है शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा। हमारा एक नारा भी है कि BLRP की यही पुकार, शिक्षा चिकित्सा रोजगार, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर ही भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण हुआ है। महिलाओं ने, बेटियों ने, माताओं ने, युवाओं ने मिलकर बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी निर्माण हुआ है। और हम व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर तीनों में हम समन्वय स्थापित कर रहे हैं। तीनों के बीच में संतुलन जब स्थापित होगा तो उत्तम प्रदेश बनेगा, सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जी पंकज जी का यही कहना है कि अगर इनकी पार्टी यहाँ से जीतती है तो निश्चित तौर पर जो जनता को तोहफा मिलेगा वो रोजगार के साथ साथ यहाँ के जो मूलभूत जरूरतें होंगी उसको ये पूरी करेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रूबी सिद्दीकी, न्यूज़ वाली।